अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई बुजुर्ग अच्छे होंगे, अल्लाह पाक आपका शौक सलामत रखे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, मैंने सोचा चलो आपको भी बता दूँ। तो आज का सवाल ये है जी कि असील मुर्गों के कील वगैरह क्यों काटने चाहिए, इनका क्या नुकसान है या इनका क्या नुकसान हैं, किस वजह से हम मुर्गों के जो असील मुर्गों के कील हैं, जो ये देखें आप ये कील वगैरह हम इसको क्यों हम काटते हैं, ये इनके नुकसान क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि अगर हमारे मुर्गों के कील इतने बड़े हैं, अगर फर्ज करो आप हमारे मुर्गे कहीं आपस में लग जाते हैं या खड़क जाते हैं, तो फिर हमारे मुर्गियों का नुकसान हो सकता है। ये जितने बड़े कील हैं दोस्तों, अगर पट्ठे वगैरह से मुर्गा पिट जाता है, ठीक है, तो फिर भी कील लग सकता है, ठीक है, तो पट्ठे ज़ाया हो सकते हैं, मुर्गे भी ज़ाया हो सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो इसलिए दोस्तों, हम ना इस मुर्गे के हम कील इसलिए काटेंगे, और वीडियो बनाने का जो मकसद है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मुर्गे के जो कील वगैरह है वो क्यों काटने चाहिए और इसके क्या नुकसान हैं और इसकी मेन वजह क्या है जिसकी वजह से दोस्तों हमारी मुर्गियों को माछियों को नुकसान पहुंचता है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा और साथ आपको कील कैसे काटना है, इसका तरीका कर क्या है, वो आपको अच्छे तरीके से मैं गाइड करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले हमारे इस मुर्गे का शौक करें मुश्के का, ये देखें ये मियाँ वाली ओल्ड ब्लड लैंड, ठीक है, ये पल्लों का शौक करें इसका, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये लसानी सावा मुश्का, अभी इसकी धूम जो है वो क्रीज में है, ये देखें, ये नलियों का भी शौक कर लें आप, बहुत ही प्यारा हो गया फेस का शौक करें, ये आप देख, ये देखें दोस्तों आप इधर आपको नज़र आ रहा होगा, ब्रेक लगा, तो इधर कासम भाई नेड़े करो, ये देखें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, ये देखें चेक करें, और बिल्कुल इसी तरह इधर भी चेक करें, ये देखें कितना गहरा, ये चेक करें कि इसने कील वगैरह इधर लगा कर मुर्गी का क्या हाल कर दिया है, ये देखें आप, ठीक है दोस्तों। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे आपके मादियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, अगर मुर्गे जब मादी को क्रॉस करता है तो जब कील उसका बड़ा होगा तो वो मादी के दोनों साइड में इधर ऐसे कील जो है वो टपा देंगे, फिर आपकी मादी उसके नीचे क्रॉस नहीं होगी, ये बहुत बड़ा मसला है। और अगर आप इस मसले का हल चाहते हैं, जो मुर्गा आपने ब्रीडर किया हुआ है, तो फिर उसके कील जो है वो काट दें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि अगर मादी अंडों पर है, मुर्गा उसको क्रॉस करता है, लेकिन वो जब कील उसके ऐसे चलते हैं तो वो फिर मादी क्रॉस नहीं हो पाती, फिर अंडे फर्टाइल नहीं होते और बच्चे नहीं निकलते, ठीक है दोस्तों। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि इसके नुकसान क्या हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये उड़ सकता है, किसी से फड़कता है, किसी मुर्गे से फड़क जाता है ना जिधर, तो वो उधर भी काना वगैरह हो सकता है, कहीं भी कील लग सकता है, ठीक है जी। तो अब तीसरी बात ये है आखिरी जो कि हमने इसके कील काटने कैसे हैं, क्या तरीकाकार है, तो बहुत आसान तरीका है। आपने पहले लेना है आरी आरी ब्लेड, पता है आपको आरी ब्लेड में, उससे काट लें आप आस्था से, अगर आप तो उससे आप नहीं काट सकते, आपको मुश्किल लगता है, तो फिर आप किसी मोटरसाइकिल वाली दुकान पर जाएं, ये क्लच वाली तार ले लें, ये देखें जो मोटरसाइकिल के क्लच में तार होती है ना, ये तार लें आप, और इस तार को इधर से ना ऐसे खोल लें, ये देखें खोल लें, ये इतनी जल्दी टूटती नहीं है, ये आप देख सकते, तो इसको अच्छे तरीके से साफ कर लें, ठीक है, साफ करके तो फिर आप ना, तो दोस्तों ये तार आ गई, ये आप देख सकते हैं, तो अगर आप आरी ब्लेड से इसको काट लेते हैं, इसका ब्लड जो है वो आ भी जाता है थोड़ा बहुत, आपने परेशान नहीं होना, वो भी आपको बताता हूँ,
आधी प्लेट से काट लें वो भी ठीक है, अगर नहीं अगर आपको मुश्किल लगता है एक बंदे को मोटा पकड़ाएं और ऐसे तार को ना ऐसे दोस्तों डबल करें, ठीक है। ये देखें आप ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर रख कर इस तार को अच्छे तरीके से ऐसे फेरते जाएं। जब आप इसको कभी ऐसे कभी इधर से फेरेंगे तो ये कील इसका जो कटना शुरू हो जाएगा बहुत आसानी से कील कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये उस मुर्गे के कील काटें जिसको आप ब्रीडर बनाना चाहते हैं, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद बात आ गई कि अब इसका ब्लड जो है वो कैसे रोकना है। जब इसका ब्लड जो है वो नहीं रुकेगा, आपने थोड़ी सी मिट्टी ले लें या थोड़ी सी जो चूल्हे में स्वाह होती है वो ले लें, वो इसको ऊपर लगा के ना इसको थोड़ा सा दबा के रखें, सिर्फ एक 15 सेकंड या एक मिनट दबा के रखें, इंशाल्लाह खून जो है वो बिल्कुल ब्लड रुक जाएगा, इससे कोई मसला नहीं इसको बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हमने असील मुर्गे के जो हैं वो कील वगैरह कैसे काटने हैं, इनकी वजह से जो नुकसान होता है उसको कैसे हमने बचाना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने सब बता दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ऐसे कील काट सकते हैं आसानी से। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं दोस्तों वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।